सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह सुबह एक पार्सल आया है जो कि हमारे नाम से है, पर क्या है कि हमने बुक नहीं किया है, कोई दूसरे ने बुक किया है तो आया है। अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। वो भी सरप्राइज़ है ये, जो कि पता नहीं है इसमें क्या है, और इस पर ऊपर भी नहीं लिखा है, कोई डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए। सोनाटा की घड़ी है, ये सोनाटा की वॉच ही है। इसको खोलते हैं, अभी दिखाते हैं कि ये देखो 600, इसका प्राइस 699 रुपये है भाई। सरप्राइज हो तो ऐसा ही। इसको ये है सोनाटा की वॉच, स्पोर्ट वॉच है, और इसका लुक बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इसका लुक, देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ भाई आओ, आज एक सोनाटा घड़ी है। इसमें तो समय हो रहा है 10:30, पर समय है इसमें 9:30। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इधर से, और इसका पट्टा बहुत बढ़िया है। और प्राइस क्या है इसमें, प्राइस तो इसमें 600 कुछ लिखा था, इसमें प्राइस इसमें 699 रुपये इसमें भी है, दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा, 699 रुपये है। वैसे मैं तो घड़ी नहीं पहनता हूँ, पर आ गई है तो पहनना पड़ेगा, पर कभी कभार पहनेंगे, वैसे ज़्यादा नहीं। हम लोग का धान अभी लेट हो पा गया है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बारिश की वजह से। क्योंकि धान ऐसी फसल है जिसको कंटिन्यू पानी चाहिए, और पानी नहीं मिल पाता है तो लगभग सबका रोक दिया गया है। ये देखिए सबका धान लग चुका है, इधर भी लगा है और इधर, और ये हम लोग की बेहन उपल रही है धान की। तो अभी हम जाते हैं बजड़ी लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा पारा, जल्दी जल्दी। अच्छा ये बजड़िया बाना, लेकिन नहीं ये तो वैसे ही फैला वाला। बगीचा है जहाँ पे, यहीं बस बगल में हम लोग का खेत है, और ये डी बाबा है, यहाँ के धर्मस्थल है ये, और इसी बगीचे में हम लोग मैच खेलते थे पहले। यही देखिए वो बगीचा है, और ये बगल में हम लोग का खेत है, और इधर ये है, वहाँ पे धार्मिक स्थल है डी बाबा, और हम लोग यहीं पर आते हैं। और हम लोग का लगभग पानी आ रहा है, लगभग बहुत दूर से आ रहा है, और इसमें भरा जाएगा। और ये बगीचा पूरा आम लगा पड़ा है, और महुए का है, तो इसमें तो आम झड़ गया है, बाकी महुआ है पूरा पड़ा हुआ है। बहुत ही मज़ा आता है, देख लीजिए दृश्य, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और अभी तो फिलहाल हम लोग का पानी, क्योंकि लाइट अभी आई है और पानी खोल दिए हैं, पानी जा रहा है खेत में, तो अभी देखते हैं। क्योंकि वो देखिए हमारे मामा जी हैं, और वहाँ से पानी ला रहे हैं, और ये खेत है, और इसी खेत में पानी जाएगा क्योंकि इसमें धान लगेगा। हम लोग सबसे पीछे हैं और ये धान लग रहा है, और ये देखिए पानी खेत में जा रहा है, ये पाइप है। अभी इधर एक भाव बता रहे हैं, देखते हैं भाव है कि नहीं। उस पेड़ी है ना, पेड़ी की बगल में है भाव, मतलब जो पानी जाता है उसमें से फूट कर दूसरे खेत में। देखिए यही पेड़ी है, इसी के बगल में है कहीं, बता रहे हैं।
देखते हैं ये खेत। ऊंचा आओ हल्का ऐसे बांध दिखाए के बांध दी। ये सब तो पूरा कचड़ा कर दे लो इधर है, प्लास्टिक व्लास्टिक फेंक के इधर भी यहीं फेंक दे लो उड़ के हवाला इधर है ला। यही खेतवा में पड़ा ला, पता नहीं मोर का हो कि क्या अंडा हो। कहाँ ठीक है तुआ खाओ मोरा ही खाओ ठीक हो देखो बोल तो हो सही। एक भूसा में रखा ना फिर ओकरे बाद सही हो जाए, अगर हो ही तो ठीक है नहीं फिर। अभी इधर पानी नहीं चढ़ा था, ये ऊँच है दरअसल, इधर हम लोग मेढ़ी बांध दिए हैं ये बगल से, और फिर उसके बाद वहाँ ये दिखाई दे रहा ना ये मेढ़ी बांधी हुई बड़ी पड़ी है, और इधर से माटी पानी चढ़ा। अभी पाइप चाहिए, पाइप लेने गए हैं, आएगी पाइप तो उधर लगाएंगे क्योंकि वो ऊँच है वहाँ पर, तो उधर से पानी चढ़ेगा तो पूरा भर जाएगा। हालत ख़राब हो जाती है जब पानी बना रहे हो धान की, तो बड़ी मशक्क़त है देखो हाल धान बना पानी बनाने का पैसा हाल हो जाता है पैर का सब कुछ देखो। आराम से बैठे हैं भाई, अभी पानी खोल दिया, पूरा भर जाएगा पूरी तरह से। अब जहाँ दिखाई देगा कि ऊँच है वहीं पर माटी काट कर गड्ढे में डाल दिया जाएगा। आराम से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हवा बहुत सुंदर चल रही है। गर्मी में जैसे जब पसीना हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर हवा मंद गति से हवा चले और सुहानी हवा चले एकदम, तो अच्छा लगता है, पूरा ठंडा ठंडा शरीर हो जाता है, तो अच्छा लग रहा है। अभी बैठे हैं आराम कर रहे हैं, अभी प्यास भी लगी है। अब देखो किसी से पानी मंगाते हैं या तो जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दूर सबसे ज़्यादा पानी तो इधर ही गिर गया है। देखो इधर हम लोग कभी इस परेशान है कि पानी कहाँ जा रहा है और इधर हो गया। देखो ये कितना भर चुका है, इधर पाइप भी फटी पड़ी है। देखो पानी हो गया, अब यहाँ से देखो ये वहाँ से ये वो लगी है पाइप पे वो वहाँ पर, ये जूम करके दिखा रहा है, इतनी दूर से पाइप हटवानी पड़ेगी। ये पाइप लगभग 300 या 400 फीट है, उसको मोड़ना पड़ेगा, बड़ी हालत ख़राब हो जाए। 400 फीट है, अब अकेले हैं, अब कोई है नहीं, अब ये आया है तो उसको बुलाते हैं पाइप मोड़। अरे तो पूरा उखाड़ के बनाओ थी ना भाई, पूरा वीडियो बना ले, चाहिए तो बताया, चल दे दिया। अभी अब यहाँ ब्लॉग बनाओ थी तो वहाँ कहाँ सुनी बिन ले पूरा, ये कोई नवा तिलवा बहुत बढ़िया लगा रहा, बिन ले सही से। ये हमारा का नया लुक है, तो अभी फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर द एंड करूँगा क्योंकि पाइप मोड़ना था, तो पाइप अभी थोड़ी देर बाद मोड़ेंगे, दोपहर को मोड़नी थी तो नहीं मोड़े थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।